एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल्स प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। अब यहाँ पे इनमें से किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब सेम है, एक्स प्लस थ्री यहाँ भी है यहाँ भी है, एक्स माइनस थ्री यहाँ भी है यहाँ भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे लेट एक्स प्लस थ्री बी ए और एक्स माइनस थ्री बी बी, ये हम लोग लेट ले लिए। लेट लेने के बाद हम लोग का क्या हो गया क्वेश्चन, ए बाई बी प्लस सिक्स बी बाई ए इक्वल्स टू फाइव। ओके, अब हम लोग को ये आने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिक्स बी ऊपर हो गया, ये ए कॉमन ले लिए तो ए बी दोनों एलसीएम ले लिए तो ए बी हो गया, बी बी कट गया तो ए ए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ए ए कट गया तो बी इक्वल्स टू बी यानी कि सिक्स बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू फाइव। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव के नीचे वन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपली होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर प्लस सिक्स सिक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव ए बी। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको बीच में ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए बी प्लस सिक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर इधर है, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे माइनस फाइव ए बी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते थे, मिडिल टर्म फैक्टर में एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर वाला करते थे। यहाँ पे टू वेरिएबल है, ठीक है, तो टू वेरिएबल का सबसे इजी तरीका ये है, जो मैंने आपको इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं बताया तो इस वीडियो में बताया। टू वेरिएबल में क्या करते, ये वाला और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई ले लेते हैं, जैसे कि सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों एक साथ आ जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ कोवेरियंट जो होता था उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें वेरिएबल कोवेरियंट सब मल्टीप्लाई होगा। ये टू वेरिएबल वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू वेरिएबल है ए और बी। इसको सिंपली तरीका से क्या करेंगे, सिक्स है इसको दो हिस्से में टू इंटू थ्री ए इंटू बी इंटू बी। और हम लोग को लाना क्या है, यहाँ पे पहले वाला में क्या करते थे हम लोग सिर्फ को वेरिएबल यानी कि फाइव लाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फाइव ए बी लाना है। हम लोग को इजी तरीका है, कैसे, तो थ्री ए बी, इसमें से एक टू बी, इसमें से ए, एक्स्ट्रा में से थ्री, और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जोड़ कर लाना होगा। बाकी रूल सेम है, बस ये सब है कि इसमें मल्टीप्लाई सबको करना होगा और तोड़ के भी सब लाना होगा। प्लस यहाँ पे भी है, माइनस प्लस यहाँ पे भी, तो जोड़ कर हम लोग को लाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ का थ्री, यहाँ का एक टू है, यहाँ का एक टू बी लेके आएंगे, तो थ्री ए बी प्लस यहाँ का टू, यहाँ का ए, यहाँ का बी प्लस टू ए बी, तो हो गया ना फाइव ए बी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए बी प्लस सिक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस टू ए बी प्लस सिक्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ओनली ए, एक कॉमन लिए, बचा क्या यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे बचा थ्री बी, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस टू बी, बचा यहाँ पे क्या ओनली ए, प्लस में से माइनस बाहर तो माइनस बचा माइनस थ्री बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्या है कि इन दोनों में कॉमन ले लेना है ए माइनस थ्री बी और बचा क्या है ए माइनस टू बी, यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। अब हम लोग को करना है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री और b इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, जो हम लोग ऊपर में लेट लिए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे a इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री और b इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। तो पुट करने के बाद यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट देंगे, a का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस थ्री
माइनस थ्री, बी का वैल्यू एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ए का वैल्यू होगा एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स फर्स्ट वाला वापस दे देते हैं, एक्स प्लस थ्री माइनस इंटू थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री जा नाइन, फिर यहाँ पे वही करेंगे एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों में और इन सब में कोई सॉल्व हो रहा है तो हाँ एक्स एक्स जुड़ जाएगा, तो एक्स एक्स जुड़ने के बाद क्या होगा माइनस टू एक्स, और ये नाइन और थ्री जुड़ जाएगा तो क्या होगा ट्वेल्व। यहाँ पे एक्स और माइनस टू एक्स हो गया तो ओनली एक्स, ये जुड़ जाएगा तो सिक्स थ्री नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस निकाल के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आइदर और कर देंगे, तो डायरेक्ट आइदर और कर लेते हैं, आपको वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा ये माइनस वाला जो झमेला है। तो आइदर देयर फोर माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस टू एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो प्लस टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व, समझे नहीं समझे तो इजी तरीका से कर देते हैं, तो माइनस टू एक्स रखते हैं, इधर भी प्लस ट्वेल्व था उधर चला के माइनस ट्वेल्व हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, अब बचा क्या एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई टू सिक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू सिक्स। ठीक इसी तरह और में करेंगे, माइनस एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस नाइन, माइनस माइनस कट गया तो एक्स इक्वल्स टू नाइन हो गया। ये हो गया आंसर हम लोग का, एक्स का वैल्यू सिक्स और नाइन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।